हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने किचन में कटहल का कोफ्ते की रेसिपी बताने जा रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये कटहल का कोफ्ता। जिस तरीके से लौकी का कोफ्ता होता है उसी तरीके से बनता है, लेकिन इसका टेस्ट लौकी के कोफ्ते से भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कटहल, जिसको मैंने उबाल के और छील के काट के उबाल लिया है इसको, और बेसन पकौड़ी के लिए, जो इसकी कटहल की कोफ्ते की पकौड़ी बनेगी उसके लिए बेसन चाहिए होगा। और फिर ये कोफ्ते बनाने के लिए मैंने प्याज लहसुन टमाटर का प्याज लहसुन मिर्ची का पेस्ट पीसा है, और ये टमाटर पीसे हैं मैंने। और मसाले में हल्दी, गरम मसाला, धनिया और लाल सूखी मिर्च, और ये नमक और जीरा तड़के के लिए, और एक पिंच हींग, और ये तलने के लिए तेल या रिफाइंड जिससे भी आप बनाते हो। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो इसमें कटहल में मैं ये बेसन को डालूँगी, और फिर इसको मैश कर लेंगे, ये खूब अच्छे से इसको मिला लेंगे बेसन को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कटहल को मैंने मैश कर लिया है, और अभी इसमें बेसन और पड़ेगा। और अब इसमें नमक डाल देते हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी लाल सूखी मिर्च, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अगर सूखा लगे, वैसे सूखा नहीं लगेगा, लेकिन अगर ज़्यादा सूखा लगे तो हल्का सा पानी डाल सकते हैं, बहुत हल्का सा पानी पड़ेगा, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बेसन और सारे मसाले, नमक मिर्च मैंने सब मिला दिया है, और इसमें बेसन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा बेसन डालने से इसके जो कटहल के जो कोफ्ते होंगे वो थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, तो बेसन कम ही रहेगा इसमें। और अब इसकी इस तरीके से गोल गोल छोटे छोटे बॉल की तरीके से बना लेंगे, ये इस तरीके से लड्डू की तरीके से बॉल बना लेंगे ये। ये इस तरीके से बनाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे कोफ्ते के सारे बॉल्स ही बन के तैयार हैं, और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो आइए चलिए फ्राई करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तेल मेरा अब गर्म हो चुका है, और अब मैं ये जो मैंने ये बनाए थे कटहल के कोफ्ते, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये हल्की सी, पहले तो थोड़ा सा तेज रहेगी गैस की फ्लेम, फिर बाद में थोड़ी धीमी कर देंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। और दोनों तरफ से ये लाल होने तक अच्छे से इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोफ्ते मेरे सिक चुके हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में किचन टॉवल डालकर उस पर निकाल लेती हूँ।
और ये इस तरीके से इतने ही लाल सेकने हैं और बाकी के डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को पहले तेज करना है, फिर थोड़ा सा धीमा कर देना है ताकि कोफ्ते हमारे अच्छे से पक जाए। इसी तरीके से हम सारे कोफ्तों को तल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सारे कोफ्ते तल गए हैं और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे कोफ्ते मेरे तल चुके हैं और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी कड़े नहीं हैं। और अब मैं इसकी ग्रेवी बनाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये तेल इसमें कढ़ाई में गर्म हो चुका है, मैंने वो तेल निकाल के इसमें दूसरा तेल डाला है और अब मैं इसमें जीरा डालती हूँ। और ये हींग, और फिर जो ये मैंने प्याज लहसुन टमाटर वो प्याज लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है उसको डाल देंगे। और प्याज को लाल होने तक फ्राई करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारा भून चुका है और ये तेल छोड़ दिया है। और मैं ये बताना भूल गई थी कि इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो मैंने 3 बड़े चम्मच तेल डाला था इसमें, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। और अब मैं इसमें ये मसाले डालूँगी, हल्दी, और ये धनिया, और ये गरम मसाला, और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मैंने मसाले में भी हरी मिर्च पीसी थी इसलिए लाल मिर्च थोड़ी डालूँगी। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे गलने ना पाए। और फिर ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया है इसको डाल देंगे, इसको भी अच्छे से पका लेंगे जब तक ये तेल ना छोड़े। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये टमाटर भी मेरा पक चुका है और अच्छे से तेल छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें पानी डालती हूँ। इसको खौलने देते हैं। और इसमें नमक ऐड कर देते हैं, थोड़ा ही नमक डालेंगे क्योंकि कोफ्ते में भी नमक है। और अब इसको थोड़ी देर खौलने देते हैं ताकि मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और हमारे ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रसा खूब अच्छे से ये खोल गया है और गाढ़ा भी हो गया है। और अब मैं इसमें ये कोफ्ते डाल देती हूँ। और ये कोफ्ते डालने के बाद इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो ये जो कोफ्ते हैं ये हार्ड हो जाएंगे। और अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है।
और इसको 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढक के रख देंगे प्लेट से, ताकि ये रसा जो है इसमें अच्छे से कोफ्ते के अंदर हो जाए, और इसको बाद में पकाना नहीं है, इसको ऐसे ही ढक के रख देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कोफ्ते हमारे बनके तैयार हैं, और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बने हैं, और ये इसकी जो कोफ्ते की जो पकौड़ी है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये चावल या रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी, आप प्लीज़ मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कटहल के कोफ्ते कैसे लगे, और आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। चावल या रोटी किसी के भी साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और आप इसको बना के देखिएगा। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो बाय, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।